अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ हिफ्ज़ा, आई एम द टीचर ऑफ टी के एस सीनियर कैंपस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। ओके, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर आई वॉन्ट टू शेयर अ गुड मैसेज विद यू। सो टूडेज गुड मैसेज इज सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस वेन यू हिट बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। But before moving towards the lecture, I will call your names and you have to turn on your video. Listen to your names, okay? Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Dinara Ilyas, Haris Safdar, Hamna Hafsa, Khatija Osman, Muazzam Sethi, Suhail Khan. अच्छा हाशिर, एंड आप भी हो, आपका मुझे पता है, ठीक है कि आप पीसी से ऑनलाइन हो। ओके ओके, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक ऑन पेज 22 एंड 23। हरी अब राइट डेट एंड डे विद पेंसिल्स, मुझे सब डेट एंड डे लिखते हुए नज़र आए, सबकी वीडियोस ऑन हो। यस मुअज्जम जी, बच्चे आपकी बुक्स नज़र आनी चाहिए, शो मी योर बुक्स, वेयर आर योर पेंसिल्स, गुड। यस खदीजा उस्मान जी, बच्चे वेयर इज़ योर बुक, गुड। ओके हारिस सफदर जी, बच्चे राइट डेट एंड डे। हमना हफ्सा राइट डेट एंड डे। सुहेल गुड, 1, 2, 3, 4, 5, टर्न ऑन योर वीडियो। एंड दिनारा इलियास, बच्चे दिनारा योर वीडियो इज़ नॉट शोइंग टू मी। ओके नाउ ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 22 एंड 23। वी आर सपोज टू एंड द चैप्टर टुडे। ओके हरी अप, फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ, द होल पैराग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग्स। ओके सो बी अटेंटिव, आपको फिर पता होना चाहिए कि मीनिंग्स जो मैं बता रही हूँ तो वो वर्ड कौन सी लाइन पर है। ओके, पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स। ओके, I realized that it would be bad if they burst in on grandfather unannounced or even announced. When I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently, underline the word evidently. मैं जो word बोल रही हूँ आप underline करो, end पर मैंने आपको meanings बताने, okay? Evidently jumped to the conclusion that the police were deserters, underline the word deserters, from the army, trying to hide away in his attic. He jumped out of the bed wearing a long flannel nightgown. Flannel ko underline kare. Okay, and began to roar at them. Back to the battle lines, you cowardly lily livered. Cowardly lily livered, इसको भी underline करें। Cattle, what with that he gave one of the officers a flat handed smack alongside his head that sent him sprawling, right? Underline the word sprawling. The others beat a retreat, underline the word retreat, but not fast enough. Grandfather grabbed the officer's gun from his holster and shot at him. The gun shot seemed to crack the rafters. Okay, crack the rafters. Smoke filled the attic. A cop cursed and shot his hands to his shoulders. Somehow we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. ओके आपको याद है आपको मैंने क्या पढ़ाया था? आपको मैंने पढ़ाया था कि जो कॉप्स हैं वो किसे कहते हैं? पुलिस को, ठीक है। जो पुलिस थे वो जब इनके घर में आए और जब इनके घर में उनको कोई क्लू नहीं मिला, कोई साइन नहीं मिला किसी और के बाहर से चोर के आने का, ठीक है, क्योंकि दरवाजे सारे अंदर से लॉक थे, रिमेंबर दिस। तो क्या हुआ आगे?
जो एकदम से आपको याद होगा हमने वहाँ पे स्टॉप किया था कि एकदम से एटिक से, एटिक वाज द ओल्ड रूम, ओके, द ओल्ड वॉलनट बेड जहाँ पे था वो वाला रूम था जो कि किसका था, ग्रैंडफादर का था। वहाँ से सडनली कुछ आवाज़ें आने लगी और पुलिस वालों ने बग़ैर सुने कि ये कौन है वो भागे उस रूम की तरफ। एंड उस रूम की तरफ जब वो भागे, सो द ओल्ड मैन लुक्ड एट द पुलिस, ओके, ही लुक्ड एट देम और उसको लगा कि ये आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कि आर्मी से भाग के आए हुए, छुप के आए हुए, कॉवर्डली। लिली कॉवर्डली का मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ, उसका मतलब है जो बुजदिल नहीं होते, जो अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं। सो ग्रैंडफादर वाज थिंकिंग कि वो सारे जो है डेजर्टर्स हैं। डेजर्टर्स मीन्स अ पर्सन हु लीव्स आर्मी विदाउट परमिशन, ठीक है, वो आर्मी से भाग के आ जाए या वो तंग हो के आ जाए, वो भाग के आ जाए, ठीक है, छोड़ के आ जाए। सो सडनली क्या हुआ कि उन्हीं पुलिस मैन में से एक के पास जो वो पड़ा हुआ था, गन पड़ी हुई थी, एंड ग्रैंडफादर टुक द गन और उसने जो है एक पुलिस मैन के हाथ पे शूट किया, ठीक है, शूट किया। ही वॉज कर्सिंग फ्रॉम पेन, कर्सिंग का मतलब वो दर्द से कराह रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली उन सब ने जब देखा कि ये आदमी तो मेंटली सिक है, तो वो लोग जल्दी से नीचे आ गए और उन्होंने उस जेंटलमैन यानी जो ओल्ड मैन था उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जो मैंने मीनिंग्स बताए, राइट them down, evidently मतलब clearly seen, Lily cowardly का मतलब मैंने आपको बताया, who is a person who is not brave, okay, बुजदिल, जो बुजदिल होता है उसको कहते हैं। write down the meanings, okay, now sprawling, next मैंने बताया था sprawling, sprawling कहते हैं spread, फैलना, ठीक है। जब grandfather ने एक पुलिस मैन को हाथ पे शूट किया, सो ही वॉज जस्ट स्प्रॉल्ड ऑन द फ्लोर, स्प्रॉल्ड मतलब वो ऐसे फैल के गिर गया, ठीक है, जाहिर सी बात है उसको गोली लगी थी तो ही जस्ट स्प्रॉल्ड ऑन द फ्लोर, यानी वो फैल के ऐसे लेट गया। राइट डाउन द मीनिंग्स, नेक्स्ट इज रीट्रीट, रीट्रीट का मतलब है मूविंग बैक, आपके पास पीछे हटना। जब देखे एक पुलिस मैन को जब उन्होंने शूट किया, जो दूसरे और जो पुलिस मैन थे तो वो जाहिर सी बात है दे वर जस्ट अ बिट स्केयर्ड और वो एकदम से पीछे हो गए, दे वर रीट्रीट यानी पीछे हो गए, वो पीछे हटने लगे, ठीक है। ग्रैब का मीनिंग लिखे होल्ड, पकड़ना। डन, सब मुझे मीनिंग्स लिखते हुए नजर आए। मुअज्जम, सेठी, हारिस सफदर, हमना हफ्सा, बच्चे डन लिख रहे हो आप लोग, हफ्सा उमर, मीनिंग्स आर क्लियर टू यू और नॉट? एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी से कुछ मिस हो जाए या फिर आपको क्लियर ना हो, ओके। हसन जाहिद, राइट डाउन द मीनिंग्स। दिनारा इलियास, बच्चे योर वीडियो इज़ नॉट शोइंग टू मी। ओके, यहाँ पे एक और मीनिंग मैंने आपको बताया था, नाइट गाउन के साथ लिखा हुआ फ्लैनल। फ्लैनर कहते हैं जो आपके पास सॉफ्ट वूवन जो फैब्रिक होता है, यानी उसने नाइट गाउन पहन लिया था। आप किसने, यहाँ किसकी बात हो रही है, देखें, बेड वेयरिंग अ लॉन्ग फ्लैनल नाइट गाउन ओवर लॉन्ग वूलन अंडरवेयर, ओके। हमारे पास यहाँ जो है ग्रैंडफादर की बात हो रही है कि उसने जो एक लॉन्ग गाउन से पहना हुआ था, एंड दैट वॉज मेड ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक। फ्लैनल जो है वो फैब्रिक बता रहा है उसका, यानी उसका स्टफ़ कैसा था, वो किस स्टफ़ से बना हुआ था वो गाउन, ठीक है। सो दैट गाउन वॉज मेड अप ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक। इज़ दैट क्लियर टू यू, दिस पैराग्राफ इज़ क्लियर टू यू? जब पुलिस वाले सारे नीचे चले गए, सो देन वॉट हैपन्ड, ग्रैंडफादर शूट ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, वो एकदम से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। सो पुलिस वाले सारे नीचे जा चुके थे। यस मुअज्जम, बच्चे एनी कंफ्यूजन टू यू? यस मैम, वो आपने जो जो अभी व्हाट्स मीनिंग बताया वो जब फिर से बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। कौन सा मिस हो गया आपसे मैम? ये रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है, ओके, रिट्रीट मीनिंग इज मूविंग बैक, पीछे हटना। राइट इट डाउन, मूविंग बैक। Grabbed means hold, pakadna. बच्चे you can take a screenshot also. आप screenshot लेके बाद में भी आराम से लिख सकते हो, और end of the class में अगर class end हो जाती है तो you can ask me then, okay? अभी लिख लें, done? Okay, good. Moving towards the next paragraph,
that was grandfather. I explained to the cops out of breath. He thinks you are deserters. Deserters ka aap yellow block mein meaning dekhe aapke paas likha hua hai. Someone who leaves the army without permission. जो कोई ऐसा बंदा जो बुजदिली की वजह से यानी डर के वो आर्मी छोड़ दे without permission. अपने officers को बताए बगैर वो आर्मी को छोड़ के आ जाए. तो grandfather was thinking के they all are deserters. ये जो पुलिस वाले हैं ये सारे deserters हैं यानी बुजदिल लोग हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर shoot किया. ठीक है, ये कौन बता रहा है? अब ये ऑथर बता रहा है. ठीक है, ऑथर बता रहा है, वो कह रहा है मैं सांस रोक के मैं जो है बताने लगा उनको डर की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक को उसमें से शूट किया जा चुका था. द कॉप्स वर रिलक्टेंट टू लीव विदाउट गेटिंग देयर हैंड्स ऑन समबडी बिसाइड्स ग्रैंडफादर. द नाइट हैड डिस्टिंक्टली बीन अ डिफीट फॉर देम. दे बिगेन टू पोक इन टू थिंग्स अगेन. अ रिपोर्टर अ थिन फेस्ड विस्पी. विस्पी मीनिंग इज थिन, पतला. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास. मैन केम अप टू मी. आई हैड पुट ऑन वन ऑफ माई मदर्स ब्लाउजेज. नॉट बींग एबल टू फाइंड एनीथिंग एल्स द रिपोर्टर लुक्ड एट मी विद सस्पिशन एंड इंटरेस्ट. जस्ट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम बडी, ही आस्क्ड. आई डिसाइडेड टू बी फ्रैंक विद हिम. ओके, राइट डाउन द मीनिंग्स. आपके पास रिलक्टेंट, शुरू पहली लाइन में आपके पास रिलक्टेंट का मतलब है अनविलिंग, यानी आपका एक काम जो अपनी मर्जी से आप ना करो. ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एग्री विद सम टास्क या व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू सम टास्क. ओके, अनविलिंग का मतलब है जब आप अपनी मर्जी से ना करो. विलिंगली कहते हैं मर्जी से करना कोई काम, और अनविलिंगली का मतलब है मर्जी के बगैर. सस्पिशन कहते हैं डाउट, शक. अब यहाँ पे किस पे डाउट हो रहा है? उस लड़के पे डाउट हो रहा है, ये ऑथर पे डाउट हो रहा है. वो कहता है कि मैं आई वॉज अनएबल टू फाइंड समथिंग. तो मैंने अपनी मदर का जो ब्लाउजेज होते हैं, जो गाउन टाइप ही होता है, वो पहन लिया, नाइट गाउन जिसको कहते हैं. ठीक है, आई जस्ट पुट अप अ नाइट गाउन और मुझे कुछ और मिला नहीं पहनने को. तो वन ऑफ द पुलिस मैन जस्ट सस्पिशन ऑन मी, यानी कि वो मुझे हैरानगी से देख रहा था, शक की नज़र से देख रहा था कि कहीं मुझे कुछ पता है और मैं छुपा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस थी. एंड डिफीट का मतलब है यानी आज उनकी पुलिस वालों के लिए आज हार का दिन था. वो जो है आज ग्रैंडफादर के हाथों वो हार गए. क्यों? बिकॉज दे वॉज सपोज टू फाइंड द थीफ. ठीक है, वो यहाँ पर आए थे वो चोर को ढूंढने के लिए, बट उनके साथ ही ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि ट्रेजेडी उसे कहते हैं आपके पास जो वाक्या, यानी उनके साथ ही बुरा हो गया. क्या बुरा हो गया उनके साथ? कि वो जो है उनका जो एक पुलिस मैन है उसको हाथ पे गन से जो है उसको शूट किया गया. ठीक है, सो दे वर जस्ट क्या कहते हैं स्केर्ड, एंड वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ. किससे पूछ रहा है वो? उस ऑथर से पूछ रहे कि यस मुझे पूरा वाक्य बताओ, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ ऑल दिस शिट. ठीक है, ये सब क्या है? ओके, नाउ द ऑथर इज सेइंग वी हैड घूस्ट्स. घूस्ट कहते हैं भूत को. ठीक है, वो अब ऑथर उनको बता रहे हैं. फ्रैंक विद हिम का मतलब है, फ्रैंक का मतलब कि मैं उनके साथ अब फ्रैंक हो रहा हूँ, यानी मैं अब जो है फ्रेंडली बात कर रहा हूँ उनसे. पहले वो ज़रा डर रहा था, ऑथर की बात यहाँ हो रही है, और ऑथर कहता है नाउ आई एम फ्रैंक विद हिम. फ्रैंक का मतलब है कि वो अब फ्रेंडली तौर पर वो उनसे बात कर रहा है और कह रहे हैं कि जी वी हैड घूस्ट्स, हमारे घर में भूत हैं. I said, he gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had dropped a nickel. Then he walked away. Underline the word nickel or gazed. Gazed ko bhi underline karein. I will tell you the meanings after this. The cops followed him. The one grandfather had shot holding his now bandaged arm and cursing. Cursing ko bhi underline karein. I am going to get my gun back from that old bird. Sad one of them. I told them that I would bring it to the police station the next day. Okay, आप meanings लिख लें. आपके पास nickel का meanings है token. Nickel कहते हैं जो token होता है. आपने कभी machines देखी है जिसमें हम अक्सर आप लोग gaming के लिए वो जो होता है parks वगैरह में, फ़न हाउस में, फ़न लैंड वगैरह जो आपके पास अक्सर होता है, उसमें आप लोगों ने वो मशीन्स देखी जिसमें हम टोकन डालते हैं, देन वी प्ले गेम्स, डिफरेंट गेम्स हम खेलते हैं. आपने ऐसी मशीन्स देखी होंगी ना इन पार्क्स, इन फ़न लैंड्स, इन चीज़ों में. ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बताती हूँ कि क्या मतलब है इसका. निकल का मतलब है टोकन, उस टोकन की बात हो रही है. ग्लेयर्ड का मतलब है टू सी, देखना. अच्छा, राफ्टर्स आपके पास पीछे कोई आई थिंक वर्ड था. यस,
राफ्टर्स आपके पास देखें, इस पेज में ये वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, राफ्टर्स मैंने नहीं बताया आपको, उसका मतलब है रूफ, छत को कहते हैं, ठीक है, राफ्टर्स छत। राइट डाउन द मीनिंग्स। दिनारा जी बच्चे, वो उसकी बात मैं नहीं करी, आपने कभी गेम्स वगैरह नहीं देखी जो फन लैंड में आपके पास मशीन्स बनी होती है उसमें हम टोकन डालते हैं, और झूलों के लिए भी होता था अक्सर, आपने नहीं देखा, स्विंग्स लेने के लिए भी होता है बच्चों के झूलों के लिए आपके बचपन में, आप मामा से पूछ ले या यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट आल्सो, ठीक है, टोकन उसको कहते हैं, अंडरस्टैंड, ओके गुड। चलिए जब मैं ज़रा ये पैराग्राफ समझा दूँ, इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास, क्या हुआ कि जब ऑथर ने बताया कि वी हैड घूस्ट, हमारे घर में भूत है, तो पुलिस वाले जो इसको थोड़ी देर के लिए गेज्ड, यानी वो थोड़ी देर के लिए उसको देख रहे थे अजीब नज़रों से कि व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली, ओके। स्लॉट मशीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि द मशीन व्हेन यू पुट ऑन योर मनी इनटू इन ऑर्डर टू विन मनी, व्हेन यू पुट ऑन योर मनी, मनी यहाँ पर मनी हम नहीं पुट करते, उसमें हम टोकन पुट करते हैं, टोकन वो मनी के फॉर्म में ही होता है, आपने कभी देखा ना, टोकन कॉइंस की फॉर्म में होता है, तो यहाँ उसको मनी कहा गया है। सो जो ऑथर है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वाले मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे कि मैं कोई मशीन हूँ और अभी मेरे अंदर वो टोकन डालेंगे ना, वो क्या कहते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, मनी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, वो ऐसी जस्ट एग्जांपल बता रहा है। देन ही वॉकड अवे, द कॉप्स फॉलोड हिम। अच्छा, जो पुलिस वाले थे वो तो घर जा रहे थे, बट दे वर सेइंग, लास्ट में वो जाते जाते ये कह रहे थे कि हमें उस ओल्ड बर्ड से, यानी उस ओल्ड मैन से, ये जो आपका ग्रैंडफादर है, हमें उससे अपनी गन वापस चाहिए। सो द ऑथर इज सेइंग कि येस, मैं आपको आपकी गन अगले दिन स्टेशन ला के दे दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, लास्ट पैराग्राफ। व्हाट वॉज द मैटर विद द पुलिस मैन, मदर आस्क्ड आफ्टर दे हैड गॉन, ग्रैंड फादर शॉट हिम, आई सैड, व्हाट फॉर, शी डिमांडेड, आई टोल्ड हर दैट ही थॉट ही वॉज अ डिजर्टर, ऑल ऑफ ऑल थिंग्स, सैड मदर, ही वॉज सच अ नाइस लुकिंग यंग मैन, ग्रैंड फादर वॉज फ्रेश एज अ डेजी एट ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग we thought at first that he had forgotten all about what happened, but he hadn't. Over his third cup of coffee, he glared at Herman and me. What was the idea of all those cops running around the house last night, he demanded, he had us there. ओके, अब देखें यहाँ पे तो किस्सा ख़त्म हो गया, ठीक है, पुलिस वाले जो है दे ऑल गॉन टू पुलिस स्टेशन, और जो गन की बात हो गई तो वो ऑथर इज सेइंग कि मैं आपको आपकी गन वापस ला के दे दूँगा। जब पुलिस वाले चले गए, सो उसकी जो मदर थी जिसने पुलिस वालों को कॉल की थी, शी आस्क के क्या हुआ पुलिस वालों को, व्हाट हैपन टू देम, उसको क्या हुआ, ये पुलिस वाले जो कर्सिंग कर रहा था, यानी जो डर से जो है वो पागल हो रहा था, तो उसको क्या एक्चुअली क्या हुआ उसे। सो द ऑथर इज सेइंग कि मैंने बताया कि यस, उसको जो है शॉट किया गया, किसने शॉट किया उसको, जो है ग्रैंड फादर ने उसको गन से शॉट किया है, ठीक है। सो द मदर सेड कि व्हाई ही शॉट द यंग मैन, ही वॉज सच अ नाइस लुकिंग यंग मैन, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसको क्यों शॉट किया गया, ठीक है। सो मैंने बताया कि आई इवन डोंट नो, ओके, पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, ब्रेकफास्ट पे हम सबको लगा कि ग्रैंड फादर ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो सब कुछ भूल चुके हों, बट एट द थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी, जब वो थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि जो रात को पुलिस वाले आए थे तो वो क्यों आए थे, ओके। तो यहाँ आपको एक बात अजीब सी नहीं लग रही, यहाँ आपको सोचना चाहिए ना, जब ग्रैंड फादर को पता था कि वो पुलिस वाले हैं तो फिर उसने शूट क्यों किया एक को, ये समझ के कि वो आर्मी से भाग के आए हुए, ठीक है। देखिए, अब ग्रैंड फादर यहाँ ख़ुद पूछ रहा है कि पुलिस मैन जो है वो क्यों आए थे, इसका मतलब है कि दे हैड घूस्ट, यानी उनके घर में वाकई भूत है जो कि अक्सर ग्रैंड फादर के रूम में होते हैं, और उसकी वजह से ग्रैंड फादर की जो मेमरी है वो भूल जाता है वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्टोरी फिनिश्ड होती है। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑन योर बुक, सो आप तैयारी के साथ आएँ, डेट एंड डे लिख कर लाएँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस स्टोरी में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ आपको इशू हो या कुछ आपको मसला हो, यू कैन आस्क मी, यस, एनीवन, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग थी जी, वीडियोस आपकी ऑन है, यस, बताएं मुझे द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, इजी थी कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, यस हफ्सा हमना, एनी कन्फ्यूजन, सुहेल खान,
जी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं, यू कैन आस्क मी, क्योंकि कल अगर मैंने क्वेश्चंस किए ना तो आप सबने फिर मुझे ये नहीं कहना कि मैम मुझे समझ नहीं आई थी या मुझे जो है अभी बता दें. ओके आप घर से इसको रीड करें और आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो इंशाल्लाह. ओके ओके यस सुहेल. बच्चे एनी क्वेश्चन? हफ्सा उमर कोई क्वेश्चन है आपका? चले गुड, इट मीन्स कि आप सबको ये क्लियर है. ओके दैट्स गुड, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड यू कैन रीड द चैप्टर. ओके आई विल, वी विल डू रीडिंग आल्सो. इसको अच्छे से पढ़ें एंड मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.